एवरीवन। सो ये है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक। आपका जो चैप्टर नंबर 1 था प्लांट से रिलेटेड, जिसे मैं कहती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर मतलब चैप्टर का बेसिकली नाम ही रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, चैप्टर नंबर 1 ही वो आपका। तो बेसिकली उसके मैंने क्या किए है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। एंड जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स ही है, बेसिक्स को मैंने बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई इमेज वगैरह ऐड नहीं की है, क्योंकि उसके लिए वक्त लगता है और वक्त इतना है नहीं, सो सॉरी इमेज वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं होगी। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5, जो कि है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 5। इसके मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। बेसिकली इवोल्यूशन चैप्टर कहते ही बच्चे ऐसे हो जाते हैं, हाय कैसे पढ़े इसे, कैसे पढ़े। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, ये बहुत ईजी चैप्टर है अगर आप इसे एकदम ईजी वे से पढ़ोगे तो। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन जेनेटिक फ्रिक्वेंसी। जेनेटिक फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या होगा, चेंज आएगा और एक स्पीशीज बन जाएगी, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि आप पढ़ते हो कि क्या, आप यूट्यूब पर जाओ और सिंपली सर्च करो इवोल्यूशन ऑफ जो भी आपका फेवरेट स्टार है उसका नाम सर्च करो, आपको पता है क्या आएगा, उसके बचपन की फोटो, फिर वो कैसे बड़ा हुआ, फिर वो कैसे कैसे मतलब यंग होता गया। तो इसी को कहते हैं इवोल्यूशन, कि कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है। सो चेंजेस इज नथिंग बट द इवोल्यूशन। तो हम कहते हैं ना कि इवॉल्व हो जाओ थोड़ा सा, इवोल्यूशन इज नेसेसरी, चेंजेस इज नेसेसरी, ठीक है। कहते हैं ना कि जो इंसान आपको चेंज करना चाहे वो आपका नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, इंसान को जैसे वैसे एक्सेप्ट करो, सच बात है ये, लेकिन समटाइम्स चेंजेस इज नेसेसरी। कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसे क्या करना है, गुस्सा एक इंसान के अंदर का गुणधर्म है, ठीक है, तो वो तो आएगा ही, उसे गुस्सा तो आने वाला ही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम हमारे एंगर को कंट्रोल करें। हर वक्त गुस्सा नहीं करना है, गुस्से के वक्त ही गुस्सा करना होता है, तो इसी को कहते हैं चेंज करना। तो एक इवॉल्व कर दो अपने आप को। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि राजस्थान होता है, राजस्थान के अंदर पानी की भरपूर कमी है, तो वहाँ पर कुछ प्लांट ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, अपने अंदर उन्होंने क्या किए, उस प्लांट्स ने अपने अंदर चेंजेस कर लिए, और चेंजेस करके उन्होंने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व कर लिया कि वो जो भी जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो जो हैबिटेट है उसके साथ उन्होंने क्या किया, खुद को अडाप्ट कर लिया। तो जो लीफ है उनके पास क्या है, सनकर्न स्टोमेटा है, जो कि वो धसा होता है लीफ के अंदर, तो इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपको पता चला कि क्या करो, सिचुएशन को देखो और खुद को अडाप्ट कर लो, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि हम इस धरती पर कैसे आए, कि धरती माता कैसे बनी है। तो यही आपके साथ डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़नी है, कि कौन सी किसने कौन सी थ्योरी दी। वो थ्योरीज आपने पढ़ ली, 5-6 थ्योरी है, 6 थ्योरी है बेसिकली। एक है बिग बैंग थ्योरी, तो आपको बिग बैंग थ्योरी का पूरा डाटा याद करना है। बिग बैंग थ्योरी के बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कुछ नहीं है, भगवान जी आए और उन्होंने बोला ओम भूत भर स्वाहा और ये सब कुछ बन गया, वो भी 6 दिनों में बन गया। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि ये जो भी है सब कुछ किसने बनाया है, भगवान जी ने बनाया है। तो एक बिग बैंग थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हो गया। आपको थर्ड थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइड, ठीक है, पैनस्पर्मिया का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, कि पैनस्पर्मिया मतलब सीड। तो क्या है, इस दुनिया में ना लाइफ के सीड प्रेजेंट है, और लाइफ का एक सीड आ गया हमारे प्लैनेट पर, लग गया ऐसे और उसने मतलब क्या कर दिया, पूरा सब कुछ बना दिया, ऐसा है पैनस्पर्मिया का कॉन्सेप्ट है। सो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया हो गई। फिर आपको पढ़नी है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, वहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, वहाँ पर बस बकवास की गई है कि मिट्टी है, मिट्टी गर्म हो गई और गर्म गर्म मिट्टी से हमने मगर मगर बना लिए, तो वहाँ पर मतलब क्रोकोडाइल बन गए। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, एकदम बकवास थ्योरी है ये। इसके बाद आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि लुईस पाश्चर ने दी थी। लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट है, प्लीज़ इनका नाम याद कर लो क्योंकि इनका नाम आएगा। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने दी थी। और फिर लुईस पाश्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी उसे डिसप्रूव कर दिया था। लेकिन साइंस है भाई, ऐसे ही है कि कोई बोल देगा कि एबायोजेनेसिस की थ्योरी मैं नहीं मानता, एबायोजेनेसिस की थ्योरी मैं नहीं मानता, हम भी उसकी बात नहीं मानेंगे, हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ला तब तेरी बात मानेंगे। तो लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, श्वान नेक एक्सपेरिमेंट,
और उस श्वानिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल गया कि ए बायोजेनेसिस कुछ भी मतलब बकवास ही है सकती है। फिर क्या हुआ, फिर आई सिक्स नंबर की थ्योरी, कौन सी थी वो, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी को हमने मान लिया क्योंकि यहाँ पर ना समझदारी की बातें की गई थी। जो समझदारी की बातें इस थ्योरी में की गई थी वो ये की गई थी कि ए बायोजेनेसिस ही हुई है पहले। क्या अभी तो आपने बोला कि ए बायोजेनेसिस नहीं होगी, वो कौन सा साइंटिस्ट बोला ना, लुईस पाश्चर, उसने तो इसे डिस्प्रूव कर दिया था। और अब फिर से केमिकल इवोल्यूशन में ए बायोजेनेसिस का मतलब कुछ भी मतलब, लेकिन ये सच है। केमिकल इवोल्यूशन में ना कैसे आपको बताया गया है कि क्या हुआ, कि सबसे पहले क्या हुआ, ए बायोजेनेसिस से पहली बार एक सेल बना, ठीक है, मतलब एक नॉन लिविंग मैटर से एक लिविंग सेल आया। उसके बाद वो जो लिविंग सेल आया ना, उसी लिविंग सेल से सारे लिविंग सेल बने। सबसे पहले एक नॉन लिविंग सेल आया, ठीक है, नॉन लिविंग सेल नहीं मतलब एक नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या, लॉन्ग नॉन लिविंग थिंग मतलब गैशियस। वो जो गैशियस थे वो गैशियस मिक्स हुए, वो गैशियस मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद उन गैशियस ने क्या किया, उन गैशियस ने एक सेल फॉर्म किया। अब वो लिविंग सेल है, और वो जो सेल फॉर्म हुआ है उसी सेल से, उस लिविंग सेल से सारा सब कुछ बन गया। सारे लिविंग सेल उस एक लिविंग सेल से आए थे, लेकिन जो पहला लिविंग सेल है वो नॉन लिविंग मैटर से ही आया है। ये तथ्य है आपके केमिकल इवोल्यूशन मतलब केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी में। सो कौन सी थ्योरी हमने पढ़ी है, थ्योरीज के अंदर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कहते हैं भगवान आए, भगवान जी ने सब कुछ कर दिया, ठीक है, छः दिनों में लाइफ बना दी, कोई इवोल्यूशन नहीं है, ये कहती है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। सेकेंड थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, पैंस्पर्मिया मतलब कॉस्मेजोइक थ्योरी। इसके बाद हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस मतलब क्या है कि मिट्टी से, जो मिट्टी है नाइल की मिट्टी है वो गर्म हुई, उससे क्रोकोडाइल बन गए, एकदम बकवास, ठीक है। उसे डिस्प्रूव किसने किया था, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव किया था लुईस पाश्चर ने। कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय लुईस पाश्चर, और थ्योरी ऐसी नहीं मान लेंगे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट, श्वानिक एक्सपेरिमेंट, तो आपको वो याद रखना है, आपको एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। फिर बायोजेनेसिस की थ्योरी के बाद आपको कौन सा पढ़ना है, आपको थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन पढ़नी है, जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे कि एक नॉन लिविंग मैटर था, उस नॉन लिविंग मैटर से सबसे पहले एक लिविंग सेल बना, फिर वो जो लिविंग सेल बना उस एक लिविंग सेल से सारे लिविंग सेल आए। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। सो ये सारी थ्योरी, और सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अंदर, बिग बैंग थ्योरी का आपको डाटा याद करना है कि 20 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ है, हमारा ये यूनिवर्स बन गया। 20 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स बन गया, उसके बाद आ जाओ 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारी अर्थ माता बन गई। 20 बिलियन ईयर अगो पूरा यूनिवर्स, 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ बन गया, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देन 4 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आया, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर अगो आया। उसके बाद आ जाओ 3 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल बना, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है, मैक्रोमोलिक्यूल बना, पहला मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है, अमाइनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल है। सो 4 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आया। 3 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल बना। सिर्फ 2 बिलियन ईयर अगो आपकी फर्स्ट सेल बनी, 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेल बनी। 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, क्या याद रखना है, 1 बिलियन 1000 मिलियन। सो 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेल आई। सो 2000 मिलियन ईयर अगो 2K मिलियन 2000 मिलियन ईयर अगो पहले सेल आई। सो थ्योरीज हो गई। अब थ्योरीज के अंदर मुझे आपको बताना है वो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी और साइंटिस्ट के बारे में बताना है। सो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, सो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब।